हमारा जो ज़िला है वो नया ज़िला है, 10 साल पहले ही बना है। पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। तो हमारे ज़िले में बहुत सी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए एक ज़िले के हिसाब से। और ट्रेन फैसिलिटीज़ जो कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आम जनता का जीवन जीवन जीने में उन्हें इजी रहता है, तो वो सारी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। खासकर ट्रेनों में अगर देखें तो एक तो हमें लाइन चाहिए जो हरियाणा और यूपी को जोड़ती है, वेस्टर्न यूपी को। इससे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और इसकी मांग लंबे समय से चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और साथ ही क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में पड़ता है तो वहाँ की भी कोई ट्रेन नहीं है, और वैष्णो देवी की भी बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं जिन्हें दिक्कत होती है। तो यही हमारी कोशिश है मंत्रालय से कि इन हमारी क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लेकर उनका निस्तारण किया जाए। तो यही क्योंकि क्षेत्र की समस्या थी तो ये उठाना हमारा फर्ज है। तो ये काफ़ी लंबे समय से क्या माता वैष्णो देवी तक ट्रेन जाए इसकी मांग हो रही थी क्षेत्र की? जी बिल्कुल, लंबे समय से। जब पहली हमारी बैठक हुई चुनाव जीतने के बाद तो सभी जो क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं मौजूद थे और सबसे पहले उन्होंने यही डिमांड रखी। तो मेरा फ़र्ज था कि सबसे पहले मैं ये एक ऐसी समस्या है जिसका असर हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों या किसी भी वर्ग से आते हों। तो मुझे लगता है ये बेहद ज़रूरी है सरकार को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही सरकार का कर्तव्य भी है और इसी के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।